एमएस रामचंद्र राव हिमाचल के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को गवर्नर हाउस में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। हाय माननीय सचिवरत्न श्री रामचंद्र राव, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डू सॉलेमली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड दैट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। आइए आपको बताते हैं कि नए चीफ जस्टिस कौन हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। 7 अगस्त 1966 में हैदराबाद में रामचंद्र राव का जन्म हुआ था। 7 सितंबर 1989 को उन्हें एक वकील के रूप में नामांकित किया गया। वर्ष 2012 में रामचंद्र राव हैदराबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी वह बतौर न्यायाधीश सेवाएं दे चुके हैं। साल 1991 में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब के साथ शानन विद्युत प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं प्रदेश में एनपीए बंद करने के बाद डॉक्टरों के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने मौजूदा डॉक्टरों का एनपीए खत्म नहीं किया है, लेकिन प्रदेश में आगे जो नए डॉक्टर नियुक्त होंगे उनके लिए एनपीए खत्म किया गया है। एनपीए कोई बंद नहीं किया गया, विड्रॉ किया गया था। एक नियम है, इस नियम के तहत डेंटल डॉक्टर के रिटर्न में इंटरव्यू होने हैं। डेंटल डॉक्टर का एक डेपुटेशन हम लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से पोस्टें नहीं निकल रही है, आप कृपा करके डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्टें निकालिए। तो हमने कहा हम निकालते हैं। और एक मसला हमारे ध्यान में आया कि डेंटल डॉक्टर हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, वेटरनरी डॉक्टर हो गए और एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उन सबको एनपीए मिलता था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर लगातार प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव में किए गए विकास के दावों को पूरा किया जा सके। शिमला से सूर्य समाचार के लिए अरुण उनियाल की रिपोर्ट।